नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ऐसा न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महा ओपनिंग पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री, क्या कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे। एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मध्य प्रदेश के चुनाव की आपको पता लग जाएगी। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जानकारी अपडेट बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, अगर मालवा की दो विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर दो में से एक पर बीजेपी तो एक पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के खत्म, यहाँ पर एक भी सीट नहीं आ रही है। तो बात करते हैं अलीराजपुर की दो विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है एक, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है एक सीट और अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0-0 सीट। अनूपपुर की तीन विधानसभा सीट है, तीन में से दो पर बीजेपी तो एक पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0-0। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो बीजेपी खत्म है 4, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 3 और अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बराबर टक्कर हो रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अशोक नगरी की। जी हाँ दोस्तों, तीन विधानसभा सीट है, तीन में से यहाँ पर बीजेपी खत्म है एक, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है दो, अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0 सीट। बालाघाटी की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 3 पर कांग्रेस पार्टी। बड़वानी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर सर्वे आ चुका है, तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी बराबर सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इस ओपनिंग पोल के अनुसार बीजेपी को 10 सीट तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 10 सीट है, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ को यहाँ पर 10-10 सीट। बात की जाए बैतूल की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खत्म है 3, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 2, अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0 सीट। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 3, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 4 और अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0 सीट। भिंड की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खत्म है 3, कांग्रेस पार्टी खत्म है 2, अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 37 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीजेपी खत्म है 19 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 18। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक सीट से पीछे चल रही है कांग्रेस पार्टी, तो अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0-0 सीट। बात करता है दमोह की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खत्म है 1, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 2, अन्य पार्टी खत्म है 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। देवास की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी खत्म है 3, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 2, अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0 सीट। दतिया की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खत्म है 2, कांग्रेस पार्टी खत्म है 1 और अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 64 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो बीजेपी खत्म है 33, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 30 सीट और अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0-0 सीट। बात की जाए धार की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खत्म है 4, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 3 और अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0 सीट। गुना की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी तो 3 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0-0 सीट। डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से बीजेपी खत्म है 1, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 1 सीट, अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 77 सीटों का सर्वे जनता की राय आपके सामने रख रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 39 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 37। जी हाँ दोस्तों, मात्र 2 सीटों से पीछे चल रही है कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ पर बीजेपी भी मात्र 2 सीटों से आगे चल रही है और अन्य पार्टी खत्म है 1 सीट। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 3 पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 2, अन्य पार्टी खत्म है 1 सीट। होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 2, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 2 सीट, यानी बराबर रेशियो के साथ होशंगाबाद की जनता यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बराबर अंकों के साथ रख रही है। तो हरदा की बात करें, तो हरदा की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से बीजेपी खत्म है 1, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 1 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 89 यानी बीजेपी खत्म है 45 सीट, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 42 सीट और कांग्रेस पार्टी खत्म है अच्छी खासी लीड के साथ 42 सीटें जाती नजर आ रही है, तो मात्र 3 सीटों से पीछे चल रही है कांग्रेस पार्टी, तो बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों से आगे चल रही है, अन्य पार्टी खत्म है 2 सीट। बात की जाए इंदौर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 5 पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 4 और अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी खत्म है 5, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 4, मात्र 1 सीट से पीछे चल रही है कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बात करते हैं जबलपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी लीड के साथ 5 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, तो अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। जामुआ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खत्म है 1, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है 2, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, जामुआ की 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी तो 1, 2 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर
54 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 53 सीट। जी हाँ दोस्तों, मात्र एक सीट से पीछे चल रही है कांग्रेस पार्टी। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी आगे निकलती नजर आ रही है तो बीजेपी यहाँ पर पछड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी मात्र एक सीट से आगे, बिल्कुल एक सीट से आगे, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत आगे जा सकती है। यहाँ पर इस लिहाज से देखा जाए तो आगे कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा प्रदर्शन होने वाला है। तो अन्य पार्टी का तो यहाँ पर दो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार? क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ बन जाएंगे मुख्यमंत्री? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर कर देंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कटनी की चार विधानसभा सीटें हैं, चार में से बीजेपी खाते में दो सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में दो सीट, यानी बराबर बराबर रेशियो के साथ कटनी की जनता देती हुई नजर आ रही है राय। तो बात कर लेते हैं खंडवा की चार विधानसभा सीटें हैं, चार में से बीजेपी खाते में एक, तो कांग्रेस पार्टी खाते में तीन सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। खरगोन की छह विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार खरगोन की जनता कह रही है कि यहाँ पर बीजेपी खाते में तीन तो कांग्रेस पार्टी खाते में तीन, यानी बराबर बराबर रेशियो के साथ दोनों ही पार्टियों को तीन तीन सीटें देती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 123 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता तो अलग ही तरफ जा रही है, यानी कांग्रेस की तरफ भी आधी और बीजेपी की तरफ आधी। यहाँ पर बीजेपी एक सीट से पहले तो एक सीट से पीछे चल रही है थी कांग्रेस पार्टी, तो इस बार यहाँ पर बीजेपी एक सीट से पीछे चल रही है कांग्रेस पार्टी से। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 61 सीट और अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर दो सीट। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ फिर से सरकार बना सकते हैं। शिवराज सिंह यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर पे चल रहे हैं। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच काफी ज्यादा लड़ाई का मूड दिख रहा है। दोनों ही पार्टियों को एक जैसी सीटों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले में क्या होता है, क्या बीजेपी यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी? चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर बात करते हैं मंडला की तीन विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ तीन सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 और बीजेपी खाते में 0 सीट। मोरेना की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 2-3 पर ही कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर दोनों ही पार्टियां एक साथ एक रेशियो के साथ तीन तीन सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में एक, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 136 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार यहाँ पर बीजेपी खाते में 64 सीट, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी लीड के साथ 70 सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर फिर से सरकार में दिख सकती है इस ओपिनियन पोल के लिहाज से। अब तक के ओपिनियन पोल में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छी खासी लीड कर रही है, तो बीजेपी यहाँ पर 6 सीटों से पीछे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, 6 सीटों से बीजेपी पीछे चल रही है इस ओपिनियन पोल के अनुसार, और अन्य पार्टी के तो यहाँ पर 2 सीटें आ सकती है। क्या आप मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान से खुश हैं? हमें कमेंट करके जरूर 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 बताएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में एक, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें। पन्ना की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 2 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। नीमच की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 3 की 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। नीमच की सभी 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 146 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 70 तो 74 सीटें, 4 सीटों से आगे चल रहे हैं कमलनाथ। तो बीजेपी यहाँ पर 70 सीटों पर लीड कर रही है, यहाँ पर 4 सीटों से बीजेपी पीछे चल रही है। क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार बचेगी या फिर गिर जाएगी? तो बात कर लेते हैं रायलसेन की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में एक, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 3 है। रतलाम की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 160 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी अच्छी
प्रत्याशी लीड के साथ 78 सीटों पर लीड कर रही है। तो इस ओपिनियन पोल के अनुसार जनता की राय की माने तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान 2 सीटों से पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 80 सीटों पर अन्य पार्टी खत्म में 2 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है फेरबदल। बात करते हैं रीवा की। रीवा की 8 विधानसभा सीटें 8 में से 5 पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी खत्म में 3 और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। सतना की 7 विधानसभा सीटें 7 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। सागर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खत्म में 6 तो कांग्रेस पार्टी खत्म में 2 सीट और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 183 सीटों का सर्वे यहाँ पर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की फिर से सरकार में वापसी होने की संभावनाएं बिल्कुल थोड़ी सी है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 95 सीट तो कांग्रेस पार्टी खाते में 86 यानी 86 सीटें कमलनाथ को मिल सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीटें। जी हाँ दोस्तों, पहले कांग्रेस आगे चल रही तो अब इन जिलों में बीजेपी लीड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इन जिलों में बीजेपी अच्छी खासी लीड कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 86 सीटों पर यानी 9 सीटों से पीछे हो गई है कांग्रेस पार्टी। तो बीजेपी यहाँ पर 9 सीटों से आगे, बहुमत के बहुत करीब। बीजेपी तो यहाँ पर अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए सीहोर की 4 विधानसभा सीटें 4 में से बीजेपी खाते में 2 तो कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें। शेडोल की बात करें तो शेडोल की 3 विधानसभा सीटें 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें यानी पूरी की पूरी सीटें बीजेपी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सिवनी की 4 विधानसभा सीटें हैं 4 में से बीजेपी खाते में 3 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 194 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में अच्छी खासी लीड के साथ सैकड़ा के आंकड़े को पार करते नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी 103 सीटों पर तो 89 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट। जी हाँ दोस्तों, बहुमत के बहुत करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है बीजेपी। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 89 यानी मात्र कुछ ही सीटों से कमलनाथ पीछे हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की 1 विधानसभा सीटें 3 विधानसभा सीटें 3 में से बीजेपी खाते में 1 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2। शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटें और 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। शिवपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं 2 में से बीजेपी खाते में 1 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 204 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। तो बीजेपी खाते में 110 सीट तो कांग्रेस पार्टी खाते में 92 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए सीधी की 4 विधानसभा सीटें 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट। सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 216 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 118 तो 96 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं सबसे आखिरी विदिशा की 4 विधानसभा सीटें 4 में से बीजेपी खाते में 4 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उमरिया की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कब्जा हो सकता है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 230 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ फिर से सरकार में बनी रह सकती है। तो कमलनाथ की सरकार नहीं बनेगी। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। यहाँ पर 101 सीटों पर कमलनाथ की जीत हासिल हो सकती है तो अन्य पार्टी के तो यहाँ पर 2 सीट है।